हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रीनास किचन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन व्रत स्पेशल मिठाई की रेसिपी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना गैस जलाए आप घर पर मिठाई बना के कैसे तैयार करें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है चीनी और यहाँ पे ले लिए काजू। इसको हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और काजू भी इसमें डाल देंगे और इन्हें एक बार चला लेंगे। मैंने इसको मिक्सी में पीस के इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में। तो अब मैं इसमें डालूँगी गरी का बुरादा। और डालेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। सब चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ठंडा दूध डालेंगे। और दूध को इसके साथ मिक्स करते आएंगे। हमें यहाँ पे एक सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करना है। और डालेंगे अब हम इसमें घी। डालो तो मैंने यहाँ पे डो बना के इसका तैयार कर लिया है। अब हम इसका लंबा लंबा रोल बना लेंगे। तो मैंने इसका लंबा रोल कर लिया और यहाँ पे डाल लिया बादाम। आप अपने मनपसंद का कोई भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बादाम लगा देंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने बटर पेपर। इसको हम बटर पेपर में रोल कर देंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है। तो हम इससे जो बटर पेपर है वो अलग कर लेंगे। इसको आप पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारे यहाँ पे मिठाई बनके एकदम तैयार हुई है। इसकी थिकनेस देख सकते हैं ऊपर से कितनी बढ़िया लग रही है। घर की बनी मिठाई है, हेल्दी है। और इस टाइम पे बाजार की जो मिठाई होती है वो अनहेल्दी भी हो होती हैं। और आप इसे व्रत में भी बना के खा सकती हैं। तब मैं पीसेस को निकाल के एक प्लेट में रख दूंगी। तो मेरी यहाँ पे मिठाई बनके एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिठाई लग रही है। झटपट बनके तैयार हो जाती है। बिना गैस जलाए आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। आप इस मिठाई को सावन के महीने में जो व्रत होते हैं, सोमवार के व्रत होते हैं, उसमें भी बना के तैयार करके खा सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनने में और ना ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। और आप तुरंत बना के इसको तैयार कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये मिठाई। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऐसी ही मज़ेदार एकदम टेस्टी रेसिपी पाने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और मुझे फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई और एकदम टेस्टी रेसिपी के साथ।